हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल पेपर। माय नेम इज नेहा राय। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे एक सीरीज लेकर आ रही हूँ जिससे सभी को इकोनॉमिक्स समझने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से हो या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आप बोर्ड एग्जाम या कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियोज को ध्यान से देखें और नोट्स बनाते रहें। तो फिर चलिए आज स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स से। मैं बहुत ही सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करूंगी जिससे इकोनॉमिक्स को समझना बहुत ही आसान हो। सबसे पहले समझते हैं कि ये वर्ड एग्जिस्टेंस में आया कहाँ से। ये वर्ड एक एंशियंट ग्रीक वर्ड से आया है, इकोनॉमिकोस और इकोनॉमिया से, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन है द टास्क ऑफ मैनेजिंग अ हाउस होल्ड, मतलब एक गृहस्थी चलाने की प्रतिक्रिया। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहती हूँ। कई लोग इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स को एक ही शब्द समझ लेते हैं, पर ऐसा है नहीं। एन इकोनॉमी इंडिकेट्स अ रीजन, अ पर्टिकुलर एरिया और अ कंट्री कंसर्निंग प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी। मतलब कि एक इकोनॉमी की एक ऐसी जगह है जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है और कंज्यूम होता है, जिसकी वजह से मार्केट में मनी का सप्लाई बना रहता है। ऑन दी अदर हैंड, इकोनॉमिक्स का मतलब है टू स्टडी दीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड टू ऑप्टिमाइज द यूसेज ऑफ रिसोर्सेज। Why optimize the usage of resources? Because we have unlimited wants but limited resources. Let's move to the next slide. Economics को और अच्छे से समझने के लिए पहले इसके components को समझेंगे, जो कि मैंने slides में mention किया है। So let's go one by one. First component है consumer. Everybody is a consumer on this planet. A consumer consumes goods and services. जैसे अगर example लेंगे अभी, तो आप यहाँ पर consumer हो और आप यहाँ पर सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। तो यहाँ पर कंज्यूमर का अल्टीमेट गोल होता है टू रीच द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। नेक्स्ट कंपोनेंट है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और इसका एम होता है प्रॉफिट को अर्न करना। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर, जो कि मीडिएटर का काम करता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर के बीच में। अगर डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर का एम है प्रॉफिट और इस एक्टिविटी की वजह से मार्केट या इकोनॉमी में मनी का सप्लाई भी बना रहता है। नेक्स्ट इज सोसाइटी। जब हम ऊपर के तीनों कंपोनेंट्स को मिलाते हैं तो एक सोसाइटी फॉर्म होता है जिसका अल्टीमेट गोल है वेलफेयर, मतलब समाज की भलाई। मैंने एक और कंपोनेंट यूज किया है स्कैर्सिटी, जिसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन माइंड वॉन्ट्स के कंपेरिजन में रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं। तो अगर आपको ये सारे टर्म्स अच्छे से समझ आ गए हैं तो आप इकोनॉमिक्स को बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हैं। इसी के बेसिस पे इसका मीनिंग लिखा हुआ है। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर व्हिच एम्स एट एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज इट सोशल वेलफेयर। इस तरह से ये कंपोनेंट्स को हाईलाइट करके लिखने में इसे समझने में बहुत आसानी हो रही है। मैंने एक और मीनिंग लिखा है आपके रेफरेंस के लिए। इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोसाइटी इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द गिवन रिसोर्सेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ मैं डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में बताऊंगी। पहले आते हैं एडम स्मिथ, who is also known as the father of the economics. He published a book in the year of 1776, which is an inquiry into the nature and causes of the wealth of nation. उन्होंने इस बुक में वेल्थ पे एम्फसाइज किया है, मतलब एक देश की इकोनॉमी अच्छी मानी जाएगी जब उनके पास वेल्थ होगा। पर जब एल्फ्रेड मार्शल आए, उन्होंने एक बुक लिखी 1890 में, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने कहा कि वेल्थ होना देश में तो अच्छा है ही, पर साथ साथ में वेलफेयर भी होना बहुत जरूरी है। देश को समृद्ध और खुश होना भी चाहिए। फिर आते हैं लॉर्ड रॉबिन्स, जिन्होंने 1932 में बुक लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। इन्होंने सिर्फ स्कैसिटी पे जोर दिया। इन्होंने कहा कि वर्ल्ड में रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड हैं, तो हमें उसका ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना चाहिए और उसके ऑल्टरनेटिव यूसेज भी बनाने होंगे। लॉर्ड रॉबिन्स का अप्रोच अभी तक का सबसे पॉपुलर एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल अप्रोच रहा है पूरे वर्ल्ड वाइड में, which is right in my views too. Let's move ahead. अभी हमने इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लिया,
हमें ये भी पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स की दो शाखाएं हैं, एक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़ूंगी और उसके अंदर की ये हेडिंग्स जैसे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, फॉर्म्स ऑफ मार्केट एंड प्राइस डिटरमिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन विथ सिंपल एप्लीकेशन, पहले ये सीरीज खत्म करेंगे। उसके बाद मैं नई सीरीज स्टार्ट करूंगी माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसमें ये सारे टॉपिक टॉपिक्स कवर होंगे, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मनी एंड बैंकिंग, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, एंड द लास्ट वन विल बी बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लेते हैं। इट इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स, ये इंडिविजुअल यूनिट का बिहेवियर स्टडी करता है, जैसे हाउस होल्ड, इंडिविजुअल्स एंड एंटरप्राइजेस विद इन द इकोनॉमी। ये लोगों के चॉइस से डील करता है, मतलब कौन से फैक्टर हैं जो लोगों के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम एक पूरे इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग स्टडी करते हैं। अब हमने इकोनॉमिक्स का मतलब समझ लिया है, अब फोकस करते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में। एक इकोनॉमी में किस तरीके के प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम देखेंगे। ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि किसी भी प्रकार की इकोनॉमी हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो और अंडर डेवलप्ड हो, सारे लोग ये इशू फेस करते हैं क्योंकि स्कैर्सिटी हर जगह पर है। तो सबसे बेसिक इशू को हम हाईलाइट करेंगे वो है अनलिमिटेड वॉन्ट्स। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन वॉन्ट्स अनलिमिटेड हैं, एक डिमांड पूरी होते ही दूसरी डिमांड रेज हो जाती है और उसके बाद आता है लिमिटेड रिसोर्सेस। और स्कैर्सिटी तो हमारे पास है ही, हमारे पास रिसोर्सेस बहुत ही कम है, लेकिन उन कम रिसोर्सेस में सबकी ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई करनी है हमको नीड्स। फिर थर्ड पॉइंट है ऑल्टरनेटिव यूसेस, हमारे पास रिसोर्स कम होने की वजह से हमें उसके मल्टीपल यूसेस के बारे में सोचना चाहिए। हम एक चीज ना प्रोड्यूस करके दूसरा क्या कर सकते हैं। सपोज किसान के पास एक खेत है, या तो उस पे गेहूं उगा सकता है या चावल उगा सकता है, ये सब डिसीजन उसको लेना चाहिए। ये सभी प्रॉब्लम्स में इंक्लूड होती है। लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की। फर्स्ट आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, कौन सा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट के कंपेयर में ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए। यहाँ पे हमको इकोनॉमी को डिसाइड करना चाहिए। जब व्हाट टू प्रोड्यूस दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में ये भी आना चाहिए कि देर आर टू टाइप्स ऑफ गुड्स, वन इज कंज्यूमर गुड एंड अनदर वन इज प्रोड्यूसर और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो है जिसे कंज्यूमर को डायरेक्टली सेटिस्फेक्शन मिलता है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान। पर कैपिटल गुड्स ये वैसे प्रोडक्ट होते हैं जिससे कंज्यूमर गुड्स को बनाने में हेल्प मिलती है, जैसे कि मशीनरी। इसको और अच्छे से समझने के लिए मैं दो सिनारियो दूंगी, एक है पीस सिचुएशन और एक है वॉर सिचुएशन। इफ वॉर सिचुएशन अराइजेस, इकोनॉमी वॉर रिलेटेड प्रोडक्ट बनाता है जिसको कैपिटल गुड्स भी कहेंगे, क्योंकि उस टाइम की वही प्रायोरिटी होती है। और ऐसे गुड्स का एग्जाम्पल है वेपन्स, टैंक्स, बुलेट प्रूफ जैकेट एटसेट्रा। पर जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, मतलब पीसफुल रहता है, तो कंट्री कंज्यूमर गुड्स पे ही फोकस करती है। नेक्स्ट आता है हाउ टू प्रोड्यूस, यहाँ पे हम प्रोडक्शन के टेक्निक का सिलेक्शन करते हैं। और हमारे पास दो तरीके के टेक्निक्स हैं, एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अगर कंट्री में लेबर फोर्स ज्यादा है तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करते हैं। इसके लिए एग्जाम्पल में मैं दे सकती हूँ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन देशों में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज किया जाता है। डेवलप्ड कंट्रीज में मशीन ज्यादा यूज होता है जिसकी वजह से प्रोडक्शन भी बहुत हाई रहता है। और इसमें कंट्रीज के एग्जाम्पल हैं यूएस, यूके और कोई भी यूरोपियन कंट्रीज। नेक्स्ट आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, पहले हमने डिसाइड किया हमें क्या प्रोड्यूस करना है, फिर हमने डिसाइड किया कि कैसे, कौन सी टेक्निक यूज करके प्रोड्यूस करना है। फिर तीसरा आता है टू होम टू प्रोड्यूस, इट इज रिलेटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द इंडिविजुअल विद इन एन इकोनॉमी। सब अपने हिसाब से सब कुछ नहीं खरीद सकते, उनके पास पेइंग कैपेसिटी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने इसे दो हेड्स में कैटेगराइज किया है, पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। हम पहले पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन को समझते हैं। जैसा जिसके पास पैसा होगा, इकोनॉमी उस हिसाब से गुड्स बनाएंगे। सोसाइटी में रिच पीपल लोग ज्यादा हैं तो उनके लिए लग्जरी गुड्स ज्यादा बनेंगे। अगर मिडिल क्लास लोग ज्यादा हैं तो उनके लिए उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए गुड्स बनेंगे। मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल नीड
डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट में यहाँ पे टोटल आउटपुट डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होता है? लेबर, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। और आपको भी पता होगा कि इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए फैक्टर ऑफ पेमेंट्स क्या है। जैसे लैंड के लिए रेंट होता है, लेबर के लिए वेजेस होता है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट होता है, एंड एंटरप्रेन्योरशिप के लिए प्रॉफिट। आई होप ये लेक्चर आप सभी को समझ आया होगा। अगर आप और पॉइंट्स हाईलाइट करना चाहते हैं या फिर किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। उससे मैं प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड करूंगी कमेंट सेक्शन में, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सारे डाउट्स को कवर कर लूंगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।